मेरा फोन खराब हो गया। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार यहाँ पे। अब लग रहा कि हाँ हम कश्मीर में पहुंचे हैं। जाम में तो फंस गया लग रहा। अब जब तक ये सारी चीजें नहीं देखोगे ना तब तक लगेगा नहीं कि असली कश्मीर में आए हो। एक नए टनल पे हम आ गए जो कि लास्ट ईयर ही खुला है। बोल रहे कि अच्छा से आना, अभी श्रीनगर का माहौल उतना सही नहीं है। आर्मी कॉन्वॉय लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा। मेरे लेफ्ट साइड में पुलवामा पड़ जाता है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो उरी जो जगह है वो यहाँ से लगभग श्रीनगर में आप सभी का स्वागत है। तो उसने मेरा रिलीजियन से रिलेटेड बात किया। लाल चौक, लाल चौक जो कि पहले बहुत ही खतरनाक चौक माना जाता था। चलो अब सोनमार्ग के लिए भी चढ़ाई स्टार्ट हो गया यार। बैटरी का कनेक्शन मिसमैच हो जाता है, ले लद्दाख छोड़ के घर ही जाना पड़ेगा। वो आर्मी ट्रेनिंग दिया जा रहा, वाह यार। सोनमार्ग के रास्ते होता था चाइना और कश्मीर के बीच, पाकिस्तान की नज़र में है लेकिन उसका दम भी नहीं है छूने का। सर कल जाने दिया जाएगा कि नहीं? जब किस्मत हो गांडू तो क्या करेगा पांडू। तो यार अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 2-3 और यहाँ से श्रीनगर सोनमार्ग दिखा रहा और 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा। फिर वहाँ से 62 किलोमीटर एड्रांस, फिर 62 किलोमीटर मीन्स पहाड़ भी चढ़ाई करना। पता नहीं आज जो ड्रास पहुंच पाएंगे कि नहीं। लद्दाख एंट्री करना था लेकिन आज पॉसिबल नहीं लग रहा, देख लेते जल्दी जल्दी खा के यहाँ से। कोशिश करेंगे कि 2:20-2:30 के पहले निकल जाए तो कुछ बात बन सकता है। टाइम 2:22 हो गया, यानी कि हम खा के मतलब 2:20 के पहले निकलना था, वही ठीक ठाक टाइम में निकल गया। जल्दी से फटाफट खा के तो रोटी हुई, 4 रोटी और दाल फ्राई खा लिया। अब निकलते हैं। मैंने सोनमार्ग के लिए मैप लगाया, उसके बाद सोनमार्ग पहुंचने के बाद ड्रास का मैप लगाएंगे। यार ऊपर बादल मेरे को टेंशन दे रहा है यार। सोनमार्ग के रास्ते में और उधर ऊपर पहाड़ में बर्फ पड़ा हुआ है, पूरा बर्फ है। और उधर ही कहीं ऊपर में जोजिला पास है जिसको पार करने के बाद गुमरी नाम का जगह आएगा, वो है लद्दाख का एंट्री पॉइंट कारगिल की तरफ से, मीन्स श्रीनगर सोनमार्ग की तरफ से। यार राइडर सब मिलते हैं फिर मज़ा आता है। दूर नून पहाड़ियों को देखो, गौर से देखो यार, गौर से देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सोनमार्ग के रास्ते कितने सुंदर सुंदर गांव दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर विलेज सब है। चढ़ाई स्टार्ट हो गया, चलो अब सोनमार्ग के लिए भी चढ़ाई स्टार्ट हो गया यार। जी ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा? श्रीनगर से लगभग 4,000 फीट ऊपर में है सोनमार्ग। वाव यार वाव, कश्मीर। टेंशन होने लगा, यहाँ पे फिर बारिश स्टार्ट। हट यार, मुझे कवर करना पड़ेगा रेन कवर से, और ऊपर जाना भी मुश्किल हो जाएगा फिर अगर ऐसी बारिश होती रहा तो। यहाँ पे रुक के सबसे पहले रेन कवर से सबको ये कर लेते हैं। मेरा लाइफ में टेंशन प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हम सोच रहे थे एटलीस्ट 3:20-3:30 दिखा रहा, तो एटलीस्ट 3:20 तक ही हम पहुँच जाते सोनमार्ग, उसके बाद निकलते ड्रास के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अरे यार फिर बैटरी अब क्यों डिस्टर्ब कर रहा, इसके कारण एक नया मुसीबत। यहाँ पे मेरा ये नट निकल गया, इसके कारण बैटरी डिस्टर्ब कर रहा, इसको फिक्स करना ही पड़ेगा। अब एक नया प्रॉब्लम आ गया, एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। अब बैटरी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वाला हम हॉर्न ठीक करवाए तो ये वाला उसके बाद पता नहीं कैसे खुल गया। अब बार बार बैटरी का डिस्कनेक्ट हो जा रहा, हॉर्न मारेंगे बैटरी डिस्कनेक्ट बंद हो जा रहा। यार आज नहीं पहुंच पाएंगे ड्रास, क्योंकि इसको तो दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कल ड्रास में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर गाड़ी ऑन करने में दिक्कत हो जाएगा। मेरा लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होता। तो उसने हॉर्न तो बनाया
लेकिन शायद शॉर्ट कर दिया उसने हॉर्न का वहाँ पे, दो तार दो वायर को प्लस एंड माइनस एक साथ शायद कनेक्शन मिसमैच करके जोड़ दिया, क्योंकि देखिए जैसे मैं हॉर्न मारूंगा बैटरी बंद हो जाएगा, फिर से ऑन हो रहा है वो, मीन्स बैटरी का कनेक्शन मिसमैच हो जाता है। देखो आज फिर से मौसम ख़राब हो गया, कितना अच्छा मौसम था आज फिर मौसम ख़राब हो गया, फिर यहाँ इस पर दिक्कत हो गया, सही से बनाए थे इस पर दिक्कत हो गया यार, क्या करूँगा मैं तो वही रास्ता ले लद्दाख छोड़ के घर ही जाना पड़ेगा। बैटरी का फ्यूज उड़ गया था, ठीक करके दे दिया, अब आगे चलते हैं, आज पता नहीं ड्रास हो पाएगा कि नहीं। टाइम कितना हो गया, 3:58, 4 बजने वाला है। अगर निकलते हैं ड्रास के लिए तो कितना बजे तक पहुंचेंगे? 3 घंटे में। 3 घंटे यहाँ से। इंडियन फ्लैग किधर मिलेगा? इंडियन फ्लैग इधर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आर्मी कैंप का मीन्स जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ तक चल के देख ही लेते हैं, अगर जाने दे रहे हैं सबको तो चल ही लेते हैं, जो होगा देख लिया जाएगा यार। और ऊपर से अभी और 20 किलोमीटर सोनमार्ग है, सोनमार्ग भी नहीं पहुँचे हैं, 4 बज चुका है अभी, और चढ़ाई करना है सोनमार्ग के लिए, क्योंकि सोनमार्ग का एल्टीट्यूड भी लगभग 9000 के करीब है। पता नहीं जो जिला के लिए उठने से पहले पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं, सोनमार्ग 13 किलोमीटर और है, सोनमार्ग के बाद पता नहीं पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं, सोनमार्ग के आगे भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं यार, पेट्रोल पंप बस मिल जाए, क्योंकि पेट्रोल भी बस 2 पोल दिखा रहा है। ड्रास 75 किलोमीटर यार, समझ नहीं आ रहा आज ट्राई करे कि नहीं करे, ट्राई करे कि नहीं करे, मन तो कर रहा करे, लेकिन मौसम देख के थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा है, डर भी लग रहा है। पहले नदी के इस खूबसूरती पर एक नज़र डालो यार, कितना खूबसूरत है। फिर कुछ कुछ ट्रक वालों को मैंने देखा, अरे पूरा एकदम मस्त गाना बजाते यार अपने हॉर्न से, मैं कल से देख रहा हूँ, मज़ा आता है सुनने में ऐसे। लिखा था वेलकम टू श्री अमरनाथ यात्री जी यात्री, शायद यहीं से कहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होता है अमरनाथ गुफा के लिए। कि इस नदी को देखो, ये नदी तो अपने ही धुन में गुनगुनाते हुए चल रही है। वाओ वाओ, उधर ही कहीं जो जिला है, उधर या उधर, उधर कहीं ऊपर में जो जिला है वो आर्मी ट्रेनिंग दिया जा रहा, वाओ यार, यहाँ पे क्लाइंबिंग के का आर्मी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ग्रेट। हम लोग जाए सर, हम लोग जाए, चलो कार वालों को रोका जा रहा, कुछ कार वालों को, सोनमार्ग, वेलकम सोनमार्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो वेलकम टू सोनमार्ग। सोनमार्ग यानी कि अभी हम लोग हैं 9200 फीट की ऊंचाई में, और सोनमार्ग की बात करूं तो यार सोनमार्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है इंडिया के लिए, क्योंकि जो सोनमार्ग है उसके रास्ते पहले मीन्स एंशियंट टाइम में सिल्क का जो भी कारोबार होता था मीन्स इधर से उधर ले जाना, वो सोनमार्ग के रास्ते होता था चाइना और कश्मीर के बीच, तो चाइना और कश्मीर के बीच मीन्स सोनमार्ग से होता, तो इसीलिए सोनमार्ग इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि पाकिस्तान की नज़र में है लेकिन उसका दम भी नहीं है छूने का, बिकॉज इंडियन आर्मी एट एवरी प्लेस। लद्दाख पहुंच जाए इसके बाद लद्दाख पहुंच जाए, होप सो। सोनमार्ग में पहुंच चुका हूँ, सोनमार्ग से जोजिला पास है 24 किलोमीटर, ऐसे तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, 4:30 पार हो चुके, लगभग 4:45 बजने को है, तो जोजिला पास ट्राई करते हैं, अगर जोजिला पास पार हो गया फिर तो भाई आज लद्दाख की एंट्री हो जाएगी, लेकिन पता नहीं मेरा किस्मत का कोई भरोसा नहीं, बस धोखा ही देते जा रहा है। और आज 9th डे है मेरा और घर से निकले हुए, वैसे तो मैं 6th डे ही पहुंच जाता लद्दाख अगर जिस्पा का मौसम ख़राब नहीं होता, तो बरालाचा पास बंद नहीं होता, तो इधर से मुझे लौटना नहीं पड़ता, तो बट ठीक है
अब देखते हैं 9th day क्या होता है, किस्मत क्या साथ देती। बाकी उधर पूरा बर्फ दिख रहा है, यानी कि जोजिला पास में पूरा बर्फ भरे पड़े होंगे। तो यार चलो जोजिला के लिए चढ़ाई शुरू होता है, लेकिन ख़राब रास्ता जो मिल रहा है यही तो हालत ख़राब कर देगा। एक तो चढ़ाई, ऊपर से ख़राब रास्ता, मैं इधर ही से निकलने की कोशिश करता हूँ। अरे जोजिला वाला यही है ना यार, मैंने फ़ोन अंदर रख दिया हूँ इसीलिए बार बार पूछना पड़ रहा है। यहाँ पे शायद चेक पोस्ट है, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। कुछ एंट्री हाँ सर, एल ए का ए ड्रास ड्रास क्या हुआ सर, कल जाने दिया जाएगा कि नहीं? कल कल 4 बजे कल ए, कब शाम 4 बजे, उससे पहले नहीं? क्यों सर? वन वे चल रही है। अच्छा वन वे चल रहा है, फिर इधर से कब छोड़ा जाएगा? सुबह फ्राइडे में ड्राइव दे रहे थे, पूरा बंद रहती सुबह, मतलब वो कल इधर नहीं छोड़ा जाएगा? यहाँ से जाएगी ना, यहाँ से जाएंगी गाड़ी ना वहाँ से आएगी गाड़ी। अच्छा क्या ही खराब किस्मत है मेरा, जाने का कोई चांस नहीं है क्या? जाने का आज कोई चांस नहीं, नहीं जाने दिया जाएगा वापस नहीं जाएगा। तो कहाँ आप लोग कहाँ स्टे कर रहे हो? किस्मत के लॉट लगे हुए हैं, कुछ नहीं किया जा सकता इस किस्मत के साथ। कहाँ दिया जा रहा, नहीं नहीं मैं तो आप लोगों के पीछे खड़ा था। मैं झारखंड से। तो यार कहते हैं ना, जब किस्मत हो गांडू तो क्या करेगा पांडू, बस वही बात हो गई। देखो जिस पास से मुझे लौटना पड़ा, अब यहाँ 2 दिन बाद यहाँ पहुँचे सोनमार्ग में, तो सोनमार्ग से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे सारे बाइकर्स को रोका गया, सारे बाइकर्स को रोका जा रहा, बाइकर्स क्या सारे लोगों को रोका जा रहा, इधर से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अब बात यह कि यहाँ पे ट्रैवलर गाड़ी बहुत सारे है, वो सब रुके हुए हैं, और हम लोग बहुत सारे बाइकर्स हैं, तो ट्राई करें कि एटलीस्ट अगर वो लोग निकल ले तो वो लोग के साथ किसी तरह निकल जाए। और कल फ्राइडे है, कल कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, कल तो कोई चांस ही नहीं बनता छोड़ने का। आज वन वे ट्रैफिक है, मीन्स उधर से गाड़ियाँ आ रही है लेकिन इधर से नहीं छोड़ा जा रहा। तो यार अगर आज नहीं हुआ तो सीधा सैटरडे, बहुत दिक्कत हो गई यार। देखते हैं आगे क्या क्या सीन होता है, आपको बताते हैं। बाकी मैं बताता दिखाता हूँ आपको मैं किसके साथ हूँ। यहाँ पे एक बाइकर है, यहाँ पे एक है, उधर में 2 बाइकर 3 बाइकर है, उधर वाला नहीं है, 1 2 3 4 5 बाइकर, और मैं इन लोगों के साथ, एक मिनट, हाँ मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो देखते हैं यार क्या होता है, सीन बनता है आपको बताते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि सोनमार्ग चलेंगे, मैं भी इन्हीं लोगों को ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं आज रुक के, आज जाने दिया जाएगा नहीं, कल का भी पता नहीं, आज का दिन भी बर्बाद हो गया। कल अगर जाने देते सुबह 7 बजे से पहले, उसके बाद नहीं जाने देंगे लोकल्स बोल रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा। अब फ्राइडे जाने नहीं दिया जाता यार। लोगों को ज्वाइन किया हुआ, ये लोग ग्रुप में 5 बाइकर्स हैं, और इन लोगों को ही ज्वाइन किया हुआ, और क्या कोई चांस है नहीं। अच्छा इधर सोनमार्ग में काफ़ी सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं यार, कहाँ ये लोग हिमालयन इनफील्ड ये लेके घूम रहे हैं, और मैं इनके साथ फैशन लेके घूम रहा हूँ। अरे यार क्या ही किस्मत है अपना, अपने को हिमालयन चाहिए था और लेके घूम रहा हूँ फैशन। चलते अपने कैंपिंग लोकेशन में। अब क्या करूँ, पता नहीं इन लोगों ने कैंपिंग लोकेशन देखा है, मैंने देखा नहीं है। होटल विलेज वॉक, सोनमार्ग में कैंपिंग हो जाएगा अपना। कल अगर जाने नहीं दिया जाता तो फिर यार बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब। यहाँ पे काफ़ी सारे गधे में भी, खच्चर में लोग बैठ के ले जा रहे हैं यार। अच्छा कैंपिंग लोकेशन है, लेकिन चाहे कुछ भी बोला ठीक है यार, क्या करे किस्मत, लद्दाख अपने किस्मत में लिखा है भी कि नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया यार। देखने गए कैंपिंग लोकेशन इधर, वो देखने गए, आप देख लेते हैं। बाकी हम लोग तीनों यहाँ पे खड़े हैं,
यार ओफ। तो चलो यार उधर चल रहे, उधर चल के देखते हैं। वहाँ पे गया एक जन, बाइक वाले सब ऊपर गए। तो यार आज तो जाने का कोई पॉसिबिलिटी चांस ही नहीं है, अब कल ही कुछ हो सकता है, कल सुबह 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग सारे मिलके कैंपिंग कर रहे हैं, तो कैंपिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं सोनमार्ग में कैंपिंग का, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। और तब तक क्या ही बोले यार, किस्मत पहले जिसपा से आए, जिसपा में नहीं जा पाए यहाँ आए, यहाँ नहीं जा पाए। अब कल फ्राइडे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो बंद रहता है, तो लोकल बोल रहे कि 7 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। देखते कल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे। बाकी पीछे इतना सारा गाड़ी दिख रहा है आपको, सब मिल के कैंपिंग कर रहे हैं। तो चलो कैंपिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं।